नमस्ते आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, सुप्रेडिक्शन यूट्यूब चैनल के और एक नए वीडियो में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों WBBL 2024 के सीजन की शुरुआत हो चुकी है। शुरुआत किया फिलहाल अभी तक 2-3 मुकाबले भी खेले जा चुके हैं, लेकिन यार आज हम इस वीडियो में जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है WBBL 2024 की 5वां नंबर मुकाबला। ये मुकाबला 29 अक्टूबर को 12:40 में सिडनी सिक्सर वुमेन्स वर्सेस एडिलेड टाइगर्स वुमेन्स के बीच में नॉर्थ सिडनी ओवल के मैदान पर खेला जाता हुआ आपको नजर आएगा। तो चलिए इस मुकाबले की पूरी एनालिसिस करके देख लेते हैं मुकाबले में इन दोनों टीम में से कौन सी टीम विन कर सकती है, पिच रिपोर्ट क्या रहेगी, दोनों टीम की हेड टू हेड की रिपोर्ट क्या रहेगी, प्लेइंग 11 क्या रहेगी, यानी कि इस मुकाबले रिलेटेड जो भी कुछ अपडेट है आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्रॉफिटेबल रहने वाली है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बताना चाहूंगा। वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप अगर टॉच मैच सेशन खेलते हैं या फिर आपको इंटरेस्ट है तो आप हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाए। टेलीग्राम पर आपको टॉच की प्रिडिक्शन, मैच की प्रिडिक्शन, सेशन की जानकारी, सभी क्रिकेट मैच की सभी इंपोर्टेंट प्रिडिक्शन बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। आप लोग बहुत सी जगह पर खेले होंगे, हारे भी होंगे, जीते भी होंगे, लेकिन आप हमारे साथ एक बार खेल के देखिए कितना मैच पास जाती है, कितना जैकपॉट लगती है। WBBL में जो पहला 3 मैच खेली गई थी तीनों के तीनों मैच में हम जैकपॉट निकाले हैं। आपको यकीन नहीं आ रहे तो एक बार हमारे चैनल पर आके चेक कर लीजिए। हमारे साथ जो भी बंदे जुड़े हैं वो अच्छा खासा अर्निंग करें, आप भी अर्निंग करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, हमारे टेलीग्राम पर आ जाए। आने की जिम्मेदारी आपकी, लेकिन प्रॉफिट दिलाने की जिम्मेदारी हमारी। टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों ही जगह पर आपको लिंक मिल जाएगी। उस लिंक को क्लिक करके आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। अब चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो के मेन टॉपिक पर चलते हैं और आज की वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले तो आज हम बात करेंगे पिच रिपोर्ट से। जैसे कि दोस्तों आप सभी को बता चुका हूं ये मुकाबला खेला जाएगा नॉर्थ सिडनी ओवल के मैदान पर जो कि सिडनी सिक्सर की होम ग्राउंड है। सबसे पहले तो दोस्तों ये जो पिच है बॉलिंग फेवर पिच में गिनी जाती है। यहाँ पर स्पेस गेंदबाजों का ज्यादातर दबदबा जो है देखने को मिलती है। पिच पर हरा घास देखने को मिलता है, नमी की मात्रा भी काफी है। हरी भरी पिच तेज गेंदबाजों के लिए एकदम सही होती है क्योंकि गेंद पिच पर ज्यादा पकड़ नहीं बना पाती। गेंद पिच पर गिरने के बाद गेंद में मूवमेंट देखने को मिलता है, इसी वजह से यहाँ पर तेज गेंदबाजों का दबदबा हमें देखने को मिलते हैं। बाकी बात रहे बल्लेबाजों की, ऐसा नहीं है कि खाली यहाँ पर गेंदबाजों को सपोर्ट मिलती है। बल्लेबाज अगर यहाँ पर नाप तोल के खेलते हैं तो बेहतर स्कोर भी बना लेते हैं। इस मैदान पर खेले गए आखिरी के 4-5 मैच में 102, 189, 166, 125 और 204 जैसी स्कोर हमें देखने को अभी तक मिल चुकी है। ये सारा स्कोर ये साबित करते थे यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी के साथों साथ अच्छा बल्लेबाजी भी होती है। इस मैदान पर खेले गए WBBL की मैचेस की अगर बात करी जाए, इस ट्रैक पर WBBL में से कुल 53 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम 32 मैच और सेकंड बैटिंग करने वाली टीम 21 मैच में जीत दर्ज किए हैं। वेन्यू की एवरेज स्कोर फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम के 154 देखने को मिल जाती है। यहाँ की सबसे बड़ी स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 242 रन है जो सिडनी सिक्सर वुमेन्स की टीम ने मेलबर्न रेनेगेड वुमेन्स के खिलाफ में बनाई थी और यहाँ की सबसे छोटी स्कोर जो 1 विकेट के नुकसान पर 47 रन है, ये स्कोर भी सिडनी सिक्सर वुमेन्स की टीम ने एडिलेड टाइगर्स वुमेन्स के खिलाफ में बनाई थी। दोस्तों और एक बात, यहाँ पर 184 रन चेस भी हो चुकी है, यानी कि यहाँ पर अच्छा खासा स्कोर भी बनती हुई नजर आती है। पिच भी दोस्तों चेस वाली टीम के मुकाबले डिफेंड वाली टीम को ज्यादा सपोर्ट करती है। चेस 11 मैच यहाँ पर ज्यादा डिफेंड हुई है, वजह यह की पहली पारी के मुकाबले यहाँ पर दूसरी पारी में ज्यादा विकेट गिरती हुई नजर आती है। यह 2023 की WBBL सीजन में भी यहाँ पर 9 मुकाबले खेले गए थे, उसमें से 6 मुकाबला डिफेंड हुई थी और 3 मुकाबला यहाँ पर चेस हुई थी। वेन्यू के स्टेक्स को देखने के बाद कोई भी कप्तान यहाँ पर टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करना डेफिनेटली चाहेगा। बाकी हम अगर यहाँ की स्कोरिंग पैटर्न के ऊपर नजर डालते हैं, जो 53 मुकाबले यहाँ पर WBBL में से खेले गए हैं उसमें से 25 मुकाबला ऐसा जो 150 से नीचे का स्कोर गई थी। बाकी 150 से लेके 169 की स्कोर 15 बार गई है, 170 से लेके 189 की स्कोर 6 बार बनी है और 190 से लेके 200 से अबव स्कोर यहाँ पर 7 बार भी बन चुकी है। भाई हमारे हिसाब से इस मुकाबले में 170 से लेके 180 के बीच स्कोर बनेगी तो वो मैच डिपेंड होने की ज्यादा संभावना रहेगी, वरना 140-150 की स्कोर रहेगी तो वो स्कोर चेस होने की ज्यादा चांसेस रहेगी। बाकी बात रही वेन्यू की एवरेज स्कोर की, यानी कि आपके और हमारे भाषा में जिसको सेशन बोलते हैं, इस मैच में आपको पहले का 6 ओवर में 40 से लेके 45 के आसपास स्कोर जाती हुई नजर आएगी, 10 ओवर में 70 से 75 की स्कोर, 15 ओवर में 110 से लेके 115 की स्कोर और 20 ओवर तक 155 से लेके 160 के करीब स्कोर जाती हुई नजर आ जाएगी। इस मैच में ऐसा ही कुछ सेशन आपको देखने को मिलेगी। आप अगर सेशन खेलते तो यहाँ से सेशन खेल लीजिएगा, वरना हम तो सजेस्ट करेंगे आप हमारे टेलीग्राम की प्रेडिक्शन से सेशन खेले तो आप यहाँ से भी ज्यादा प्रॉफिट हमारे टेलीग्राम की सेशन से निकाल सकते हैं। ये तो यार हो गए पिच रिपोर्ट के बारे में, अब सीधे वीडियो में आगे बढ़ते हैं, दोनों टीम स्कोर चलते हैं। यार सिडनी सिक्सर वुमेन्स और एडिलेड टाइगर्स वुमेन्स WBBL 2024 की सीजन में ऑलरेडी 1-1 मैच खेल चुके हैं। सिडनी सिक्सर की टीम मेलबर्न रेनेगेड को हरा के इस सीजन के पहला मैच में जीत हासिल कर चुकी है, लेकिन इस सीजन के पहला मैच एडिलेड टाइगर्स वुमेन्स और ब्रिस्बेन हीट वुमेन्स के बीच में खेली गई थी। एडिलेड टाइगर्स वुमेन्स की टीम इस सीजन के पहला मैच ब्रिस्बेन हीट वुमेन्स से हार के आ रही है।
लिए। हम अगर दोनों टीम के हेड टू हेड की बात करते हैं, हेड टू हेड में ये दोनों टीम अभी तक 20 मुकाबले में आमने सामने भिड़ चुके हैं। उसमें से सिडनी सिक्सर की टीम 12 मैच में जीते हैं, तो वे एडिलेड स्ट्राइकर्स की टीम 8 मैच में जीत दर्ज किए हैं। यहाँ पर आपको एडिलेड स्ट्राइकर्स से सिडनी सिक्सर की टीम 2 मुकाबले में आगे नजर आ रही है। लेकिन अगर दोनों टीम के लास्ट 10 मैच की बात करी जाए, लास्ट के 10 मैच में से एडिलेड स्ट्राइकर्स की टीम 7 मैच में जीते हैं और सिडनी सिक्सर की टीम 3 मैच में जीत हासिल कर पाई है। लास्ट के 10 मैच में हमें एक ट्विस्ट देखने को मिल रही है। मैं तो कहूंगा लास्ट के 10 मुकाबले के हिसाब से सिडनी सिक्सर वुमेन्स की टीम से एडिलेड स्ट्राइकर्स वुमेन्स की टीम बहुत बेहतर नजर आ रही है। बाकी हम अगर दोनों टीम की लास्ट 5 मैच की फॉर्म को देखते हैं, सिडनी सिक्सर की टीम लास्ट के 5 मैच में से 2 मैच में जीते हैं, 3 मैच में हारे हैं। लेकिन एडिलेड स्ट्राइकर्स वुमेन्स की टीम लास्ट के 5 मैच में से 1 ही मैच में जीते हैं, 4 मैच में हारे हैं। फिर यहाँ पे टीम के फॉर्म के हिसाब से एडिलेड स्ट्राइकर्स से सिडनी सिक्सर की टीम बहुत बेहतर नजर आ रही है। यार यहाँ पर कंफ्यूज बहुत है, कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम हारेगी, कौन सी टीम हमें प्रॉफिट दिलाएगी, कौन सी टीम हमें लॉस करवाएगी। वैसे तो दोस्तों इनमें से कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम हारेगी, वो तो हम आपको आगे चल के बताएंगे। लेकिन उससे पहले चलिए जान लेते हैं इस मुकाबले के लिए इन दोनों टीम के तरफ से कौन से खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे, यानी कि इनके प्रोबेबल प्लेइंग 11 के ऊपर एक नजर डाल देते हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले अगर सिडनी सिक्सर वुमेन्स की प्लेइंग 11 की बात करते हैं, इनके ओपनिंग में एलिस पेरी के साथ होली आर्मिटेज दिखेंगे, 3 पे सरा जेनिफर ब्रेस, 4 पे अर्शलेथ गार्नर, 5 पे मेथिल्डा चारमिचेल, 6 पे सोफी क्लेस्टोन, 7 पे केटी पीटरसन, 8 पे फ्रैंकी निकलेन, 9 पे कायोमी ब्रे, 10 पे कटनी ग्रेस शिफेल और आखिरी 11 नंबर में आपको लाउरी चार्टन खेलते हुए नजर आएंगे। सिडनी सिक्सर वुमेन्स के तरफ से यही प्लेइंग 11 आपको देखने को मिलेगी। इनके अलावा एडिलेड स्ट्राइकर्स की प्लेइंग 11 के तरफ से आपको इनके ओपनिंग में केटी मेक के साथ लाउरा बोलबार दिखेंगे, 3 पे मेडेलिना पेना, 4 पे तालिया मेग्रेथ, 5 पे ब्रिगेड पीटरसन नजर आएंगे, 6 पे ओरला पेंडरगेस्ट, 7 पे अमंदा जाडे वेलिंगटन, 8 पे जेमा वार्सवे, 9 पे मेगन स्कॉट, 10 पे डार्सी ब्राउन, 11 नंबर पे आपको अनन्सु मुसांगे खेलते हुए नजर आएंगे। यार आपको इस मुकाबले में दोनों टीम के तरफ से ऐसा ही कुछ प्लेइंग 11 देखने को मिलेगी। अगर इनके प्लेइंग 11 में कुछ भी बदलाव होता है, वो नई प्लेइंग 11 की लिस्ट आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टॉस के बाद एक बार चेक कर लीजिएगा। दोस्तों अब तक हमने पिच रिपोर्ट के बारे में बात कर चुके हैं, दोनों टीम की कंपैरिजन कर चुके हैं, दोनों टीम की प्लेइंग 11 के बारे में बात कर चुके हैं। अब चलिए उस चीज को भी जान लेते हैं जिस चीज को जानने के लिए सभी का बेसब्री से इंतजार है, यानी कि इन दोनों में से इस मुकाबले की विनर कौन रहेगी। दोस्तों इन सारे स्टेक्स इन सारे रिपोर्ट को देखने के बाद पिच रिपोर्ट के हिसाब से डिफेंड वाली टीम को हम मैच विनर के रूप में ले सकते हैं। लेकिन दोनों टीम की कंपैरिजन के हिसाब से हमें लगता है दोनों टीम के बीच में 19-20 का ही फर्क है, यानी कि ये जो मुकाबला हमें कांटे की टक्कर वाली देखने को मिल सकती है। फिर भी कंपैरिजन के हिसाब से इस मुकाबले की दावेदार एडिलेड स्ट्राइकर्स वुमेन्स की टीम नजर आ रही है। ये तो यार स्टेक्स की बात, लेकिन हमने जो एनालिसिस किया हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से हमारे तरफ से इस मुकाबले की जो विनर टीम रहेगी जो एडिलेड स्ट्राइकर्स वुमेन्स को हराती हुई नजर आ सकती है। हम तो यार सिडनी सिक्सर वुमेन्स के साथ जाने वाले हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कौन सी टीम इस मैच में जीत हासिल कर पाएगी, चाहे तो आपके कीमत राय हमारे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और वीडियो को खत्म करने से पहले वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साइड में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा आगे चल के जो भी वीडियो आने वाली उसकी नोटिफिकेशन के लिए। साथ ही आप सभी क्रिकेट मैच से प्रॉफिट निकालना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि वीडियो में कुछ टेक्स्ट कुछ ओवरव्यू भी बताते हैं, लेकिन जो फाइनल प्रेडिक्शन आती है वो हमारे टेलीग्राम पर आती है। हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, हमारे टेलीग्राम आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। बोलो तो आज के वीडियो में इस मुकाबले रिलेटेड तो इतना ही, चलिए आप सभी से फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट मैच के वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड कीप वॉचिंग।